छात्रावास प्रबंधन, खेल और योग शिक्षा, 133 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, 4 अंक पक्का करें। देखिए इस प्रकार प्रश्न ही इसमें मिलेंगे आपको, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। जैसे ये प्रश्न है, निष्ठा योजना किस जिले में लागू थी? तो इसका उत्तर है राजनांदगांव। अगला प्रश्न है, कितने प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित है? तो इसका उत्तर है 14। रैगिंग अधिनियम कब पारित किया गया? इसका उत्तर है 17 जनवरी 2001। राज्य में छात्रावास या आश्रम में कितने स्तर होते हैं? तो 3। इस प्रकार आपको 133 प्रश्न मिलेंगे। देखिए प्रश्न है, BPL छात्रवृत्ति की शुरुआत कब हुई? इसका उत्तर है 2005-06। स्नातक स्तर के छात्रों को छात्रवृत्ति महीने में कितनी धनराशि मिलती है? 300 रुपये। स्नातकोत्तर स्तर के छात्रों को छात्रवृत्ति महीने में कितनी धनराशि मिलती है? 500 रुपये। कितने माह तक स्नातक स्तर के छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती है? 10 माह तक। BPL बुक बैंक योजना की शुरुआत कब हुई? 2005 में। BPL बुक बैंक योजना किसके द्वारा संचालित है? राज्य सरकार। BPL बुक बैंक योजना किस स्तर पर प्राथमिकता देती है? स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मुफ्त स्टेशनरी या पुस्तक प्रदाय योजना की न्यूनतम पात्रता क्या है? स्नातक स्तर पर। स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के लिए प्रति विद्यार्थी कितने रुपए की स्टेशनरी प्रदान की जाती है? 50 रुपए की। स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों के लिए प्रति 2 विद्यार्थी कितने रुपए की पुस्तकें प्रदान की जाती है? 800 रुपये। योजना के तहत कितने रुपए की पुस्तकें स्नातक स्तर के विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है? 600 रुपये। मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना किसके लिए है? अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए, आदिवासी क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए, नक्सल प्रभावित जिलों के विद्यार्थियों के लिए, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना का प्रारंभ वर्ष क्या है? 2010। आस्था गुरुकुल विद्यालय किस जिले में स्थित है? दंतेवाड़ा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आस्था गुरुकुल विद्यालय में कक्षाएं होती है कक्षा 1 से 12 तक। आस्था योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2007। निष्ठा योजना किस जिले में लागू थी? राजनांदगांव, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। निष्ठा योजना कब बंद की गई थी? 2020-21। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे। किस संस्था में विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, NTSE, CA, CS, CMA और CLAT जैसी प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग प्रदान की जाती है? प्रयास, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है प्रयास। कितने प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित है? 14। इसको भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सहयोग योजना द्वारा उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता किस वर्ग के विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है? 12वीं।
योजना सहयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दंतेवाड़ा। प्रारंभिक शिक्षा में किस कक्षा से किस कक्षा तक की शिक्षा सम्मिलित है? कक्षा पहली से आठवीं। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 1 से 6 वर्ष से अधिक उम्र का बालक जो पहले किसी भी स्कूल में प्रवेशित नहीं रहा है को किस कक्षा में प्रवेशित किया जाएगा उसकी आयु के अनुरूप? शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेवारियों का वर्णन है? अध्याय 4। एक शैक्षणिक वर्ष में आरटीई अधिनियम 2009 के तहत स्कूल में प्राथमिक शिक्षकों के लिए कितने कार्य दिवस अनिवार्य है? 200 दिन। याद रखेंगे, प्राथमिक मतलब प्राइमरी स्कूल में 200 दिन और मिडिल में 220 दिन। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009, ये 2009 है, में अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह कितने निर्धारित किए हैं? 45 घंटे। इसको याद रखेंगे, आरटी 2009 है वो। भारत में शिक्षा के अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार के रूप में उल्लिखित है? अनुच्छेद 21। शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में बनाने के लिए संविधान में किस तिथि को संशोधन किया गया था? 2 दिसंबर 2002। वर्ष 2009 में कौन सा अधिनियम निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार बनाया गया? राइट टू एजुकेशन एक्ट। भारतीय संसद ने शिक्षा के अधिकार के लिए किस तारीख को योजना को पारित किया था? 4 अगस्त 2009। छत्तीसगढ़ में RTE 12 1C योजना का लाभ कब से दिया जा रहा है? 2010-11। शिक्षा के अधिकार के लिए भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था? 86वां। आरटीई अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। आरटीई अधिनियम के अनुसार गैर अल्पसंख्यक निजी स्कूलों में कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई है? 25%। राइट टू एजुकेशन अधिनियम का प्रावधान है कि यदि कोई बच्चा कुछ वर्ष से विद्यालय नहीं जा सका है तो क्या होगा? उसे उपयुक्त आयु से संबंधित कक्षा में भर्ती किया जाएगा। आरटीई अधिनियम के अनुसार किसके बीच वित्तीय और अन्य जिम्मेदारियों को साझा करने का प्रावधान है? केंद्र और राज्य सरकारों के बीच। शिक्षा किस सूची में आती है जिस पर राष्ट्रीय पुरस्कार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं? समवर्ती सूची। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। आरटी अधिनियम क्या प्रदान करता है? छात्र शिक्षक अनुपात का निर्धारण। आरटी अधिनियम के अनुसार किस चीज का निषेध किया गया है? शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न। आरटीई अधिनियम के तहत बच्चों के प्रवेश के लिए कौन सी प्रक्रिया का निषेध है? स्क्रीनिंग प्रक्रिया। कौन सी चीज राइट टू एजुकेशन अधिनियम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त नहीं है? प्रति व्यक्ति शुल्क। कितने साल तक के बच्चे प्राइवेट स्कूल के प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश ले सकते हैं? 3 से 6.5 साल। कितने छात्र अब तक छत्तीसगढ़ में इस योजना का लाभ ले रहे हैं? लगभग 2.9 लाख।
योजना से प्रवेशी छात्र कितनी कक्षा तक निःशुल्क चयनित स्कूल में अध्ययन कर सकते हैं, कक्षा 12वीं तक। छत्तीसगढ़ में कब आरटीई से जुड़ा अधिनियम संशोधित किया गया था, सत्र 2019 में। छत्तीसगढ़ राज्य ने रैगिंग के खिलाफ किस वर्ष एक अधिनियम पारित किया, 2001 में, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है। रैगिंग अधिनियम का उद्देश्य क्या है, शैक्षिक संस्थाओं में अन्यायिक कृतियों को कम करना। रैगिंग क्या है, विद्यार्थियों के बीच अन्यायिक व्यवहार। रैगिंग अधिनियम कब पारित किया गया था, 17 जनवरी 2001। रैगिंग का परिणाम क्या नहीं हो सकता है, छात्र के आगामी नौकरी पर रोक। रैगिंग के लिए क्या दंड निर्धारित किया गया है, 5 साल का कारावास या 5,000 रुपये का जुर्माना। किन विकल्पों के तहत दोष सिद्ध छात्र को शैक्षणिक संस्थान से निष्कासित किया जाएगा, विचारण पश्चात। छत्तीसगढ़ शासन की आश्रम एवं छात्रावास परिकल्पना का मुख्य उद्देश्य क्या है, समाज के सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से अधिक पिछड़े हुए क्षेत्र के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करना। आश्रम एवं छात्रावास के माध्यम से क्या उपाय किया जा सकता है, विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए तैयार करना, समाज के सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए विद्यार्थियों का विकास करना, विद्यार्थियों को खेल कूद और कला क्षेत्र में अवसर प्रदान करना। सभी विकल्प सही हैं, तो इसका उत्तर है सभी विकल्प सही हैं। गुरुकुल एवं आश्रम शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था, शिक्षार्थी का सर्वांगीण विकास करना। आश्रम शिक्षा प्रणाली में शिक्षार्थी किसे माता पिता एवं संरक्षक के रूप में मानता था, आश्रम के गुरु को। आश्रम शिक्षा प्रणाली के अनुसार आज के गुरु की प्रमुख भूमिका क्या है, संवेदनशील अभिभावक की भूमिका निभाना। आश्रम या छात्रावासों की संख्या क्यों बढ़ी है, सामाजिक आर्थिक स्थिति में अंतर के कारण, स्वतंत्रता के बाद उन्नत शिक्षा प्रणाली के परिणाम स्वरूप, सरकारी नीतियों के कारण, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। आश्रम या छात्रावासों का उद्देश्य क्या है, बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करना। आश्रम या छात्रावास अधीक्षक की क्या भूमिका है, अभिभावक। राज्य में छात्रावास या आश्रम में कितने स्तर होते हैं, 3, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है। आश्रम प्री मैट्रिक छात्रावास पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में मुख्य अंतर क्या है, शिक्षा के स्तर का। छात्रावास प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है, छात्रों के आवासीय सुविधाओं का प्रबंधन करना। उचित छात्रावास प्रबंधन क्या सुनिश्चित करता है, वित्तीय स्थिरता। छात्रावास प्रबंधन के किसका प्रबंधन करना सबसे महत्वपूर्ण है, भोजन एवं सुरक्षा। प्रभावी छात्रावास प्रबंधन के लिए क्या आवश्यक है, न्यूनतम लागत में अधिकतम संसाधन। छात्रावास प्रबंधन का सबसे निचला स्तर किस में जुड़ा होता है, छात्र समिति। छात्रावास की निगरानी का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है, केयर टेकर। नीतिगत निर्णय अंततः किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, संचालक। भोजनशाला का प्रबंधन किसके निर्देशन में किया जाता है, वार्डन।
अपने कनिष्ठ अधिकारी के कार्यों से असंतुष्टि होने पर वरिष्ठ अधिकारी अंत में किसे सूचित कर सकता है? संचालक, छात्रावास अधीक्षक या अधीक्षक का दायित्व नहीं है ट्यूशन की व्यवस्था। आश्रम या छात्रावास में समय पर शिष्यवृत्ति का आवंटन प्राप्त न होने की स्थिति का समाधान कौन सा है? प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क कर समाधान निकालना। अभिभावक द्वारा कभी कभी बिना आज्ञा एवं अनावश्यक कारणों से अपने पालियों के घर ले जाने की चेष्टा है संस्था का अनुशासन भंग करना। विद्यार्थियों के बीच आपसी मन मुटाव की स्थिति के समाधान के लिए क्या किया जा सकता है? संभव हो तो सभी विद्यार्थियों से व्यक्तिगत चर्चा करें। किस पंजी में संस्था के समस्त कार्यों कर्मचारियों के नाम अंकित होते हैं? कर्मचारी उपस्थिति पंजी। किस पंजी में प्रत्येक दिन में भोजन सामग्री के आवक एवं खर्च का विवरण दर्ज होता है? आय व्यय पंजी। प्रति माह छात्र या छात्रा को कितने नग नहाने और कपड़ा धोने का साबुन दिया जाता है? 2। नारियल तेल की मात्रा कितनी होती है जो प्रति माह छात्र या छात्रा को प्रदान की जाती है? 250 ml। छात्र की परिभाषा के अनुसार क्या संबंधित नहीं है? सरकारी कर्मचारियों के बच्चे। छात्रावास या आश्रम संचालन नियम किसके द्वारा प्रबंधित और संचालित होते हैं? आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विभाग द्वारा। आदिवासी विकास खंड के छात्रावास समिति का अध्यक्ष होता है? अध्यक्ष शिक्षा समिति जनपद पंचायत। आदिवासी विकास खंड मुख्यालय स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय के वरिष्ठतम प्राचार्य का पद छात्रावास समिति में होगा सदस्य। गैर आदिवासी विकास खंड के छात्रावास समिति में अध्यक्ष कौन होगा? जिला कलेक्टर या उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून। भारत में योग दिवस की शुरुआत कब की गई थी? 2015। योग से किन शक्तियों का विकास किया जा सकता है? मानसिक, शारीरिक, गुप्त, उपरोक्त सभी। उत्तर है इसका उपरोक्त सभी। यम कितने प्रकार के होते हैं? 5। योग सूत्र की रचना किसने की है? पतंजलि। अष्टांग योग का अंग नहीं है काम। पूरक का क्या अर्थ है? श्वास को अंदर लेना। सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? 12। हठ योग में अंगों की संख्या कितनी होती है? 6। राजयोग के कितने अंग है? 8। निम्न में से ध्यान के प्रकार है? निर्गुण ध्यान, सगुण ध्यान, ए और बी। तो इसका उत्तर है ए और बी। वह आसन जो खाना खाने के उपरांत भी किया जा सकता है वज्रासन। समाधि से पहले की अवस्था रिक्त स्थान को कहते हैं ध्यान। आसनों का राजा किसे कहा जाता है? शीर्षासन। आसन करने का सबसे अच्छा समय है सुबह शाम? ए और बी। तो ए और बी दोनों। प्राणायाम की अवस्थाएं है सांस को अंदर खींचना, सांस को बाहर निकालना, सांस को रोके रखना, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। निम्न में से योग का जन्मदाता देश कौन सा है? भारत।
योग के द्वारा किसे नियंत्रित किया जा सकता है? मन, शरीर, ए और बी। तो इसका उत्तर है ए और बी। योग के 8 अंगों में चौथा अंग कौन सा है? प्राणायाम। योग के 8 अंगों में दूसरा अंग कौन सा है? नियम। प्राणायाम करते समय कितनी क्रिया की जाती है? 3। योग के इतिहास को कितने वर्गों में बांटा गया है? 5। भगवद गीता में कितने प्रकार के योग का उल्लेख किया गया है? ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन यह का प्रकार नहीं है? संतोष, ये यम होगा। निम्न में से कौन नियम का प्रकार नहीं है? अहिंसा। शारीरिक शिक्षा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? मैदान। शारीरिक शिक्षा अध्यापक का गुण होता है? अच्छा निष्पादक। शारीरिक शिक्षा क्या है? शारीरिक विकास। शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का संबंध है? व्यक्तित्व शारीरिक शिक्षा का एक हिस्सा है। प्रशिक्षण के दौरान थकान के आभास का कारण क्या होता है? लैक्टिक एसिड। खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? शारीरिक दक्षता, यांत्रिक कौशल, युक्ति कौशल, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। खेल प्रबंधन क्या है? एक कला, एक विज्ञान, ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों। खेल से बच्चों को प्राप्त होता है आनंद, आत्म प्रेरणा, स्वतंत्रता, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। विकास को ध्यान में रखकर खेल के लिए जब योजना बनाई जाती है तो वह क्षेत्र कहलाता है विकास आधारित। बच्चों की मांसपेशियों के विकास के लिए खेल का कौन सा वातावरण तैयार किया जाता है? बाह्य वातावरण। जब बच्चा उपलब्ध सामग्री से कुछ नवीन निर्माण करता है तो यह किस प्रकार का खेल कहलाता है? रचनात्मक खेल। जब बच्चे चीजों को उलटते पलटते व तोड़ते फोड़ते देखे जाते हैं तो यह किस प्रकार का खेल होता है? परीक्षात्मक खेल। खेल का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? एरिक्सन। खेल का संरचनावादी सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? पियाजे। खेल का सामाजिक विकास का एक रूप है किसने कहा है? पार्टेल। खेल संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है यह किस विद्वान का सिद्धांत है? वाइगोत्स्की। आरंभिक वर्षों में खेल वस्तु की ओर उन्मुख होता है, खेल के केंद्र में वस्तु होती है और आदान प्रदान में खेलने वालों की भूमिकाएं गौड़ होती है यह विचारधारा किस विद्वान का है? पियाजे। खेल को आधार प्रदान करते हुए शिक्षक क्या उपाय कर सकते हैं? इस बात का ध्यान रखें कि बच्चों के पास खेल के लिए पर्याप्त समय हो। खेल की योजना बनाने में बच्चों की मदद कीजिए, खेल की प्रगति पर आंख रखिए, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। शाला पूर्व शिक्षा की गतिविधियों, गीत, कविता, कहानी, नाटक, वार्तालाप, समूह, खेल, त्यौहार आदि कौन सी गतिविधियों में शामिल है? बड़े समूह की गतिविधियाँ। खेल के माध्यम से संवर्धन होता है, शारीरिक, संवेग, भाषा, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। खेल को प्रभावित करती है परिवार, लिंग, खेल सामग्री, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। शिक्षा में खेल का महत्व है, शारीरिक महत्व, नेतृत्व कौशल, सामाजिक कौशल, मानसिक स्वास्थ्य। इसका उत्तर है सभी। बच्चा घर बनाने के बाद यह कल्पना कर सकता है कि वह घर का मालिक है, किस प्रकार के खेल को प्रदर्शित करता है? कल्पनात्मक खेल।
बच्चे बिना किसी विशेष निर्देश के अपने आप खेलते हैं, यह किस प्रकार का खेल है? स्वतंत्र खेल। जिस खेल में बच्चे अपने बुद्धि का प्रयोग करते हैं वह खेल कहलाता है बौद्धिक खेल। यह रहा इंपॉर्टेंट 133 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। मुझे उम्मीद है आपके एग्जाम में इनमें से प्रश्न आएगा।